हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टूर्स। तो आज हम जिस प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ये कोई टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का इज्जतनगर रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, सामने आप देख सकते हैं सर्कुलेटिंग एरिया है ये इज्जतनगर रेलवे स्टेशन का, जहाँ से आप बाहर शहर की तरफ जा सकते हैं। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन का नाम सर अलेक्जेंडर इज्जत के नाम पर पड़ा, जो कि 1896 में बरेली आए थे और वो डायरेक्टर थे बंगाल के और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के, जिनका दौरा जब बरेली हुआ उसी के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पड़ा। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन को कुछ सालों पहले ब्रॉडगेज कन्वर्जन में कन्वर्ट कर लिया गया है। पहले यहाँ पर मीटर गेज के ट्रैक्स हुआ करते थे और छोटी लाइन की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरा करती थी। कुछ सालों पहले ब्रॉडगेज कन्वर्जन का पूरा कार्य स्टेशन पर हो चुका है और स्टेशन एक नए लुक में आ चुका है। ये एंट्रेंस है इज्जतनगर रेलवे स्टेशन की, जहाँ से हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये एक दरगाह आपको दिखाई दे पड़ रही होगी। रेलवे स्टेशन पर मीटर गेज के समय पर ही ये दरगाह हुआ करती थी, जो कि ट्रैक्स पर थी और इसकी बिना जगह बदले, बिना लोकेशन बदले इस स्टेशन को इस तरीके से बनाया गया कि इस दरगाह को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ले लिया गया। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से कुछ एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी निकलती हैं, जैसे कि रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लखनऊ से चलकर काठगोदाम जाने वाली ट्रेन, हावड़ा लालकुआ एक्सप्रेस, टनकपुर से चलकर सिंगरौली जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस, या फिर कानपुर सेंट्रल से चलकर काठगोदाम जाने वाली गरीब रथ। तो कुछ महत्वपूर्ण ट्रेन्स भी इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर उनका ठहराव है और पीलीभीत जंक्शन और लालकुआ जंक्शन की तरफ यहाँ से पैसेंजर ट्रेन्स भी बरेली सिटी से चलकर होते हुए जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं दरगाह, और ऐसी मान्यता है इस दरगाह पर मानी गई हर मुराद, हर मन्नत पूरी होती है, इसलिए इस दरगाह का महत्व बढ़ जाता है। देख सकते हैं आप कैसे पेंटिंग्स पुकारी गई हैं दीवारों पर, और बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन। इस दरगाह को पहले मीटर गेज के टाइम पर ट्रैक्स पर हुआ करता था, लेकिन जब ब्रॉडगेज कन्वर्जन में स्टेशन का नया लुक सामने आया, एक नया इसको डिज़ाइन मिला, तब दरगाह को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आप देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म 1 है। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से आप एयरपोर्ट, बरेली का नेशनल एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। फन सिटी टूरिस्ट प्लेस है, फिनिक्स मॉल है और पास में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, नैनीताल, पंतनगर, टनकपुर हो या चंपावत। तो इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो कि भोजीपुरा जंक्शन और बरेली जंक्शन के बीच में पड़ता है। आज हम यहाँ पर अपनी रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म 1 से गुजरेगी, जिस जो पीलीभीत जाएगी बरेली सिटी से चलकर पीलीभीत जाने वाली डेमू एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ही बगल में आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पीलीभीत से चलकर कासगंज जाने वाली मेला स्पेशल ट्रेन खड़ी है, जो कि टनकपुर से आती है, और कुछ ही समय में हमारी ट्रेन का अराइवल होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं दरगाह है प्लेटफॉर्म 1 पर, जिसका हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप पूरा एक नज़ारा देख सकते हैं प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 2 और उधर पीछे प्लेटफॉर्म 3 और 4 का। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं, जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया। और इज्जतनगर, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, एक अलग टाइप का स्टेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और लीजिए, हमारी ट्रेन आ रही है और आज हम करेंगे इसमें यात्रा पीलीभीत जंक्शन तक की, जहाँ से पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर है। ICF ब्रेक पर हमारी ट्रेन आती है। ये था हमारा ब्लॉग इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर हमने आपको एक अनोखी दरगाह दिखाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जिसको जैसे कि तैसा जैसा पहले सालों पहले जब इसका ब्रॉडगेज कन्वर्जन हुआ, उसी स्थान पर लोकेशन पर ये दरगाह थी, उसी लोकेशन पर इस दरगाह को रखा गया है। कोई कन्वर्जन नहीं किया गया, पुरानी हमारी संवेदनाओं और संस्कारों का ये नमूना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
भी रहूँ।